दोस्तों, बचपन में आपने बहुत तरह के कुरकुरे खाया होगा। हम तो सिर्फ मार खाया करते थे। अबे तो हरकत क्यों ऐसा करता है? खैर, वो अपना जमाना संस्कारी था, लेकिन आज के जमाने में, मतलब आज मैं आपको ऐसे ऐसे कुरकुरे का नाम दिखाने वाला हूँ ना, जिसे देखने के बाद आपको ये करने का मन करेगा। मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो बच्चे जब दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं, अंकल चिप्स। हाँ? फिर लेकर पैसा देकर छू मंतर हो जाते हैं। जी हाँ, ये तो शुरुआत है, बस आप देखते जाइए। भाई, बात ये है कि आपको पैकेट देखने पर जादू की छड़ी दिखेगा, और खोलने के बाद जादू की छड़ी नहीं निकलेगा, उसमें से वो स्नैक्स ही निकलेगा, खाने वाला, वो 1 रुपए वाला। मतलब मार्केटिंग के नाम पे सारे अंतर मंतर जंतर सब नाम रख देना है। तो कुल मिला के ये सब मार्केटिंग है, जो बच्चों को लुभावना लगे वैसा नाम रख देना है। अच्छा, चलिए ठीक है, बट बच्चे को ये लोग रंगदारी सिखा रहे हैं, जैसे चाचा विधायक है हमारे, वो अलग बात है कि चाचा राजमिस्त्री के काम करते हो। खैर, जिनके विधायक नहीं है उनके लिए हाँ? चाचा धमाल। तो भाई, जब चाचा धमाल हो ही गया है तो धमाल होने पे भागम भाग होगा, और भागम भाग में लूट सको तो लूट लो। हाँ, और ऐसे ही मत लूटो, छप्पर फाड़ के लूटो, एकदम छप्पर फाड़ के। वैसे आजकल के लोग पता नहीं क्या फाड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। एक और पेस है छप्पर फाड़ का वर्जन। जी हाँ, जो भी देख रहे हैं वो बच्चे वाला स्नैक्स का पैकेट ही है, और ये आगे वाला देखिए और देख के आपको क्या लग रहा है, फैशन बॉक्स। तो एक नजर में यही समझ में आएगा कि उसके अंदर फैशन की चीजें होगी, आइटम होगी। हाँ है, लेकिन वो इनाम के तौर पे निकलेगा, बाकी तो स्नैक्स ही है, वो लॉटरी टाइप का। एक और है मेकअप किट। जी हाँ, ये भी स्नैक्स का ही पैकेट है, इसके अंदर से वो गिफ्ट के तौर पे निकलेगा कुछ मेकअप जैसा आइटम, जिसका इस्तेमाल होगा नहीं होगा पता नहीं, मेकअप वाले लोग जाने, और वो भी ऐसे नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा चड्डी फाड़ के। देखिए आप पहले, आप देख रहे हैं इन लोगों का तरक्की, बच्चे लोगों को क्या सिखा रहे हैं, एकदम चड्डी फाड़ तक पहुंच चुके हैं, आगे पता नहीं क्या लॉन्च कर दे, मुझे नहीं पता यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। खैर, चड्डी फाड़ने के बाद पेश है ये डीजे वाले बाबू, जिसमें से एक भी स्पीकर नहीं निकलने वाला, वो स्नैक्स निकलेगा, खाओ लो, काम खत्म। और भाई, ये सब इतना नौटंकी क्यों, किस लिए? चटोरे बच्चे हैं इसलिए। देखिए, ये सब चीजें बच्चों को टारगेट करके बनाया गया है, ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करे, तो वो चीजें जो है बचपने में होना चाहिए, मतलब बच्चे को क्यूट लगे, प्यारा लगे, अट्रैक्ट करे, और बच्चों को ही समझ में आए। लेकिन ये लोग पूरे बच्चे को बिगाड़ देंगे भाई, नहीं विश्वास हो रहा ना? ये देखिए, क्या ये बाप का माल? अब बाप का माल क्या है ख्याल, बोलिए। और इनसे भी, मतलब ये लोग इतने पे भी नहीं रुके, आगे देखिए, ये तो और भी खतरनाक है। It was at this moment that he knew. आपका माल मेरे बाप का माल, हे भगवान, मेरे से झेला नहीं जा रहा यार, ये क्या मतलब, क्या कहना, क्या समझाना, अरे कहना क्या चाहते हो, क्या सिखाना और क्या खिलाना चाह रहे हो? हाँ, अब जरा सोचिए कि कोई बच्चों का खाने वाला है, बेचने वाला, ऐसे साइकिल पे टांग के और गांव में पहुंचा बेचने, और बोल रहा है चिल्ला के, आपका माल मेरे बाप का माल। भाई होगा कि नहीं बवाल, उसको तो तोड़ेगा। मतलब बच्चों का चीज है, लेकिन जो भी स्लोगन है बच्चों को बिगाड़ने वाले, ये देखिए यहाँ पे सपना चौधरी को चपका के क्या खिला रहा है, धाकड़ छोरी सपना चौधरी।
अब क्या मैं बोलूं ये लोग क्या क्या नहीं बनाएंगे। और अभी हम आपको जो चीज़ दिखाएंगे उसमें से कुछ सीरियल्स के नाम हो सकते हैं, मुझे ज़्यादा सीरियल्स का नाम पता नहीं है, कुछ सीरियल्स के नाम पता है, तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा सीरियल का नाम था। मैं बस दिखाने और पढ़ने जा रहा हूँ। तो अब पेश है बेलन वाली बहू। अब मैं इस पे क्या कहूँ, भाभी के घर पर है ये एक सीरियल है। बट जरा सोचिए कि कोई वेंडर लेके गया गांव में बेचने, बोला भाभी जी घर पर है, हर घर में से एक एक भाभी निकल के देखने लगी, हाँ बोलो क्या बात है, बोलेगी यही बात है, ये मैं ये बेचने आया हूँ, भाभी जी घर पर है। क्या प्रैंक बना रहे हो भाई। और अब पेश है जीजा जी छत पर है, ये कुरकुरे का नाम है। आपको जीजा जी छत पर है को खरीद के ऐसे फाड़ के खा लेना है, वाह कमाल है। और आगे वाला जो है ना वो पक्का मार खिलवाने वाला है। अब देखिए ये क्या है, लल्लू की लुगाई स्नैक्स। अब जरा सोचिए कि कोई शादीशुदा लल्लू होगा और वहां पे कोई जाके पढ़ने लगे जोर जोर से, तो वो लल्लू इसको उल्लू बना देगा कि नहीं मार मार के। मतलब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग जो है ना बच्चे का आइटम नहीं बना रहे, बल्कि बच्चे को बिगाड़ने वाले आइटम बना रहे। खाने का तो वही है, बस नाम में वैरायटी है। ये देखिए घरवाली की सहेली, हाँ तो क्या करें, नाचे इसपे हम, हद हो गया भाई। आगे है अंगूरी भाभी, सही पकड़े हैं शायद, ऐसा कुछ है, मैंने देखा है छोटा मोटा क्लिप। आगे आप कमेंट में बताइए कि इसके बारे में डिटेल। और आगे पेश है जेठा लाल। जी हाँ, सीरियल के दुनिया का सबसे फेमस इंसान जेठा लाल। और जेठा लाल किस लिए फेमस है, वो है बबीता जी का, जेठा जी का बबीता भी बना दिया इन लोगों ने, बबीता सुपारी इलायची मिक्स। अरे बाप रे, ये लोग क्या बनाएंगे बाप। हाँ? ये भी है बाप, पता नहीं ऊपर क्या लिखा है बट बाप है। अब मैं इस चीज को लेके मैं मोदी जी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि बंद करो ये सब। हाँ? इन लोगों ने तो मोदी जी को भी लपेट दिया। तो मोदी जी का है मैं भी चौकीदार। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इन स्नेकर्स वालों ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, किसी भी टाइप के, पॉलिटिक्स से लेके और फिल्मी तक। कहा फिल्मी से याद आया कि अब आपको दिखाते हैं फिल्मी वाला। तो फिल्मी दुनिया से पेश है ये सर्किट का खजाना। अभी सर्किट के खजाने में पता नहीं क्या खा जाने का चीज है, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। खैर ये सर्किट वाले डिब्बे को एक बार पढ़ता हूं मैं ध्यान से। ऊपर है नरेश जी, नरेश जी का फोटो लगा हुआ है और नरेश जी का फोटो देखकर ही खरीदे। सर्किट खजाना धमाका, अरे मामू नगद नारायण ले लो माल। खैर इस दुनिया में निरहुआ भैया को भी घसीट लिया गया है। और यहाँ पे पेश है मस्तानी भाभी रंगीले भैया। हैं ये क्या है, कोई फिल्म का नाम है क्या, मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में बताइए कि ऐसा नाम से कोई फिल्म आया था क्या, क्योंकि अपने भोजपुरी इंडस्ट्री का फिल्मों का नाम भी ऐसा होता ही है। खैर अब आपको हम टॉप क्लास की मूवी दिखाते हैं जिसकी टिकट का प्राइस में ऐसा 5-7-10 कुरकुरे आ जाएंगे। और पेश है अपना KGF चैप्टर 2। भाई ले लिए हैं तो ध्यान से फाड़िएगा, क्या पता अंदर से रॉकी भैया निकल आए। और अब पेश है राजा मौली का आर 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 कुरकुरे।
राजा मौली भी देख के सोचेंगे कि यार मैं फिल्म बनाता था, इन लोगों ने तो कुरकुरे वाला बना दिया, कुरकुरे बनाने वाला। मतलब ये सब देख के आपके दिमाग में यही आया होगा कि वाह बेटे मौज कर दी मौज। वायरल हुआ था ना, हम यूट्यूबर ही नहीं इन चीजों पे वीडियो बनाते, कुछ भी वायरल हुआ तो वीडियो। ये कुरकुरे वाले भी मार्केटिंग में आ गए, ये लोग भी कुछ भी वायरल होता है इसके कुरकुरे निकाल देते हैं। देखिए वाह बेटे मौज कर ली। हाँ दिखा आपको, ये एक्चुअल डिजाइन है और इसको ऐसे छाप के कुरकुरे बनेगा। खैर अब भी बच्चे संस्कारी बच गए हो तो उनको ये खिला दो, पड़ोसन की पप्पी। मतलब अभी समझ में आया कि बच्चे इतने बचपन में ही खतरनाक क्यों हो जाते हैं। इन उल्लू के बच्चे को हाँ? ये भी है भाई देख लो। जी हाँ मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, बस कुरकुरे का नाम पढ़ रहा हूँ। और ऐसी कुरकुरों की कंपनियों को देखने के बाद मेरा मन कर रहा है ना कि वो योगी बाबा का बुलडोजर चलवा दे इन कंपनियों पे। हाँ? हाँ? इनको भी लपेट लिया। अब भाई बर्दाश्त से बाहर है, अब मेरे से नहीं झेला। तो खैर बाबा के बुलडोजर के साथ हम कुल मिला के वीडियो के अंत में आ चुके हैं, और जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि भाई साहब आप लोग जो है ना बहुत अच्छी मार्केटिंग दिमाग लगा रहे हो। मतलब आप लोग ऐसे कुरकुरे बना रहे हो जैसे हम लोग यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं। कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आया, हम लोगों ने टॉपिक देखा और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ये लोग कुरकुरे छाप के निकाल देते हैं। भाई कितने फास्ट हो आप लोग, देखिए दुनिया और तरक्की कहाँ चल रही है। और कुल मिला के वीडियो मजाक था तो इसको सीरियस ना लीजिएगा। और हाँ आप कंपनी वालों थोड़ा सा हिसाब से चीज़ों का नाम रखो, चलेगा भाई साहब, क्योंकि ये सब बच्चों के पास जाता है। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, आज का दो लाइन पेंडिंग रखते हैं, अगले वीडियो में लेंगे। और हाँ जाते जाते आपको और भी कुरकुरे दिखेंगे स्क्रीन पे, तो बस देखते हुए वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और हाँ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों में से कैसे कैसे मतलब किस ना अजीब नाम के कुरकुरे खाए हैं। हम लालू के खजाना खाते थे, उसमें से अंगूठी वगैरह निकलता था 1 रुपए का, तो वैसा कुछ कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा। और अभी हमने दिखाया उसमें से कितने खाए हुए वो भी लिख के जाइएगा, हम जरूर पढ़ेंगे रिप्लाई भी करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद बाय।